तो फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद वज़ीरेक्स के बारे में एक अच्छी अपडेट आई है। हालांकि अभी जो डिपॉजिट ऑप्शन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, TDS उसी तरीके से, टैक्स उसी तरीके से, लेकिन वज़ीरेक्स के जो बैंक अकाउंट से वो अनफ्रीज कर दिए गए, जिसकी वजह से बहुत लोगों का वज़ीरेक्स के ऊपर से विश्वास उठ चुका था। लेकिन मैंने भी आपको पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाकर दिया था वज़ीरेक्स के बारे में कि क्यों वज़ीरेक्स सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या फिर वज़ीरेक्स क्यों इस वक्त सक्सेसफुल इंडियन एक्सचेंज नहीं बन पा रहे हैं। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना TDS कैसे कैशबैक ले सकते हैं साथ के साथ, यानी कि 1% आपका जो TDS लगेगा वो आपको 100% कैशबैक साथ के साथ मिल जाएगा, एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा। और इसी के साथ जब भी आप क्रिप्टो करेंसीज बाय करोगे तब भी आपको 1% कैशबैक मिल जाएगा। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी वज़ीरेक्स यूज़र्स थे या अभी भी हैं तो अभी से लाइक कर दो, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्टेड क्रिप्टो को अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक हमेशा अपडेट साथ के साथ पहुँचते रहें। टेलीग्राम के ऊपर हमारा प्रीमियम एक्टिव है, सिर्फ $30 में आप एक महीने के अंदर हज़ारों डॉलर का, इवन 10x 100x तक का भी आप प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हो। तो कई सारी कॉल्स हम शेयर करते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक पिछली पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो मैं आपको कल बताना चाहता था लेकिन आपको अपडेट नहीं थी। अब आप यहाँ देखो कि ED की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है कि ED has unfrozen the bank accounts of Wazirex in cooperation with investigators. Wazirex provided all necessary details and documents of the alleged accused companies. यानी कि Wazirex का लिंक जो ऐसी इलीगल कंपनीज थी या फिर जो कंपनीज फ्रॉड कर रही थी उनके साथ था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि Wazirex इसका जिम्मेवार है, क्योंकि ऐसी कई सारी ऐप्स हैं, कई सारे ऐसे लोन ऐप्स हैं, कई सारे इवन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स हैं, तो इनके लिए भी अभी एक नई अपडेट आई है RBI की तरफ से, तो वो इन ऐप्स को भी बंद करने वाले, जैसे कि ऑलम ट्रेड है, ऑक्टा एफएक्स है। तो जितने भी हम एड्स देखते थे YouTube के ऊपर, कोई भी वीडियो खोले तो ऊपर बार बार ऐड ये आ रही थी कि आप यहाँ फॉरेक्स में ट्रेड करो, आपने यहाँ पैसा लगाना है, एकदम से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आप फिर भी अर्न करोगे। तो ये सब कुछ धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो स्पेकुलेशन है बहुत ज़्यादा है। इंस्टेंट अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो यहाँ अगर हम बाय करते हैं, होल्ड भी कर लेते हैं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा, या फिर अगर हम एक ऑर्डर लगा के रख लेते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के रख लेते हैं, तो एक प्रॉफिट में सेल भी हो जाएगा, वरना हम स्टॉप लॉस यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा टोटल लॉस भी ना हो। यानी कि हमें हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पॉट में होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वज़ीरेक्स की बात करें तो यहाँ माना जा रहा था कि वज़ीरेक्स और बाइनेंस का जो रूट है इसको यूज़ करके पैसा जो है चाइना में, हांगकांग में, वहाँ से भेजा जा रहा है, लेकिन तब भी वज़ीरेक्स ने यही बोला था कि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हालांकि जो बाइनेंस है वो अगेंस्ट हो गया था वज़ीरेक्स के, और इवन ED के साथ हो गया था, और इवन वज़ीरेक्स को ही अपने ही ब्रांड को गलत बोलना शुरू कर दिया था बाइनेंस ने या फिर CZ ने। तो ये बैटल भी बहुत लंबा चला, उसके बाद जो वज़ीरेक्स की रेपुटेशन थी बहुत ख़राब हुई सिर्फ CZ की वजह से। तो एक्चुअल में 16 फिनटेक कंपनीज का जो कि इंस्टेंट लोन ऐप्स थी उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो एक्चुअल में वो ऐप्स वज़ीरेक्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करती थी, और उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी प्रॉपर सही तरीके से करने के लिए वज़ीरेक्स ने पूरा साथ दिया ED का। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स चाहिए थी ED को, वो सारी की सारी वज़ीरेक्स के खुद के द्वारा ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वज़ीरेक्स कहता है कि उनका खुद का नो टॉलरेंस पॉलिसी है ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। और इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनका कोई भी किसी भी तरीके का एसोसिएशन या फिर लेना देना नहीं है फिनटेक और इंस्टेंट लोन ऐप्स के साथ जो कि ED ने अभी इन्वेस्टिगेट किए हैं। और वैसे भी ED ऑलरेडी KYC प्रॉपर करता है, AML पूरा करता है, ताकि किसी भी तरह का इलीगल एक्शन किसी भी ब्रांड के द्वारा, कंपनी के द्वारा, ऐप के द्वारा ना लिया जाए। तो एक्चुअल में हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या था कि एक मकसद था ED का कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी कि ऐसे अकाउंट्स क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, वज़ीरेक्स के साथ क्यों लिंक्ड है। चलो वो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको एक पिछले वीडियो में चीज़ बताई थी कि ये सब वज़ीरेक्स के साथ ही क्यों हो रहे हैं, वज़ीरेक्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा, यानी कि WRX कॉइन की कितनी ज़्यादा वैल्यू गिर रही है। अब हम उसके ऊपर आते हैं। तो आपने भी 10 सितंबर को एक पोस्ट देखी होगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इस तरीके से ट्वीट किया गया था निश्चल के द्वारा, जिनके ब्रैकेट में शाड़ियों लिखा गया है। तो मैंने आपको एक ही चीज़ पिछले वीडियो में क्लियर करी थी कि इनका पूरा का पूरा फोकस शाड़ियों के ऊपर है, वज़ीरेक्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 9वां महीना चल रहा है, 10वां महीना आने वाला है, और अभी तक इस पूरे साल का एक भी WRX कॉइन का बर्न नहीं हुआ है। इसी के साथ सभी की डिमांड एक ही है, अगर हम यहाँ ED इन्वेस्टिगेशन वाली पोस्ट देखते हैं तो कमेंट्स में एक ही चीज़ की डिमांड करी जा रही है कि प्लीज़ जो IMPS NEFT RTS है इन सभी को अलाउ कर दो, सिर्फ P2P ऑप्शन ही हमारे लिए एक आसान तरीका नहीं है डिपॉजिट विड्रॉल का।
हालांकि हम सभी जानते हैं कि इसके ऊपर हम जब भी सेल ऑफ करने वाले हैं या फिर कभी भी कुछ विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो फीस बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो भी हम झेलने के तैयार हैं। लेकिन ये जो बैंकिंग के ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इनके द्वारा एक यहाँ रीट्वीट या बोल सकते हैं एक रिप्लाई भी आया। तो रिप्लाई में उन्होंने कहा कि ऑलरेडी दे आर वर्किंग क्लोजली विद बैंकिंग पार्टनर्स ताकि वो और भी पेमेंट ऑप्शंस को इनेबल कर पाएँ। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है ऐसा कहना, ये लगभग एक डेढ़ साल से यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सोल्यूशन निकल करके सामने नहीं आया है। तो इस चीज़ की आप देखो बहुत लंबे समय से वेट हो रही है। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही वज़ीरेक्स है, वज़ीरेक्स ये सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवा पा रहा। अब हम यहाँ देखेंगे पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, यहाँ से एक चीज़ का मतलब क्या था। आपने देखा होगा कि WRX कॉइन की एकदम वैल्यू बढ़ी। तो एक्चुअल में क्या कि जब भी ऐसी कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, अंदर की न्यूज़ होती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, वज़ीरेक्स के बैंक अकाउंट्स अनफ्रोज हो चुके हैं, तो ये चीज़ें जो कंपनी में है या फिर जो कंपनी से लोग रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, वो सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जब पहुंची तो उन्होंने WRX में बाइंग करी और यहाँ पे कुछ 20-30-40% का प्रॉफिट भी बुक किया और उसके बाद सेल ऑफ कर दिया। जब तक उन्होंने सेल ऑफ कर दिया हमने तब बाइंग करनी शुरू कर दी, जो कि हम सारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी ऐसी क्या अपडेट आई है। हालांकि जो पब्लिक में अपडेट आई है वो बहुत लेट आई है, यानी कि आज के दिन ही अपडेट आई है, तो आपने यहाँ देखा। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ शार्डम के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, बहुत लोग यहाँ ऐसा भी बोल रहे हैं। पम्प्ड बाय CZ यानी कि WRX पहले CZ के द्वारा पंप किया गया था, तो शार्डम भी WRX की तरह एक स्कैम करके जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी के साथ आप यहाँ और कमेंट्स देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो ध्यान है वो शार्डम के ऊपर ही, आप शार्डम के ऊपर काम कर रहे हो, आपका वज़ीरेक्स के ऊपर 1% भी ध्यान होता शायद वज़ीरेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता या फिर WRX बहुत अच्छा परफॉर्म करता। तो ये सच्चाई भी है, मैंने आपको पहले भी पूरा इनके ट्विटर पोस्ट दिखाई है कि लगभग 2-3 महीनों के अंदर कोई पोस्ट ही नहीं है ऐसी कि ये WRX को सपोर्ट करें या फिर WZ को सपोर्ट करें। बात हो रही है तो सिर्फ शार्डम की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिस कारण WZ नहीं सपोर्ट हमें अच्छी दे पा रहा या फिर हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा। हालांकि स्टिल आई स्टैंड विद इंडियन एक्सचेंजेस, मेरा अब भी मानना यह है कि अगर ये सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम अच्छे काम की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इंडियन ब्रांड है VTrade के नाम से, इंडियन एक्सचेंज है, जहाँ हमें 0 ट्रेडिंग फीस लग रही है, 100% TDS कैशबैक भी मिल रहा है, यानी कि 1% TDS जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर कट रहा है, जिस कारण हमने इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करने ही बंद कर दिए। बहुत लोग हम Binance के ऊपर शिफ्ट हो गए या फिर हॉबी जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट हो गए कि ये सोचकर कि वहाँ TDS लगेगा ही नहीं। तो यहाँ हमें TDS साथ के साथ 100% कैशबैक दिया जा रहा है। इसी के साथ आपको 14% इंटरेस्ट USDT के ऊपर मिल रहा है एंड 1% कैशबैक और 50+ कॉइंस। अब ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ एक्सचेंजेस तो हमारा 1% TDS काट रही हैं। यहाँ एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ हमें TDS कैशबैक तो मिल ही रहा है, इसी के साथ कॉइन्स बाय करने पर भी इंस्टेंट 1% कैशबैक मिल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत यूनिक चीज़ है जो आपको VTrade के ऊपर मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके अभी साइनअप कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय का एक बेस्ट एक्सचेंज या फिर बेस्ट फीचर हमें जो प्रोवाइड करने वाला एक्सचेंज है वो VTrade ही हमें इस वक्त दिख रहा है। अगर आपको इसके बारे में और अपडेट चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना ताकि VTrade की और भी अपडेट वीडियोस में आपको ला के दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर WarpTrade क्रिप्टो चैनल ताकि आप तक सारे इन्फॉर्मेशन साथ के साथ पहुँचते रहें। धन्यवाद।